हाँ तो मेरे प्यारे नमस्कार साथियों, मैं हूँ रोशन यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन टीचिलन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में डिफरेंट यानी कि अंतर। और ये ऐसा बताऊंगा ना, सिर्फ तीन अंतर बताऊंगा जो आपको सीधे दिमाग में जाएगा और याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आप सिर्फ समझिएगा और एग्जाम में जाकर फोर कराइएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आइए इस शानदार लेसन को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पहले देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है मेरा, आपको बोल चुके हम, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर बतावे, ठीक है ना। देखिए हम इसे शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है अवतल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण, एक साथ दो भाग कर ली इसको हम और इसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अवतल दर्पण आप लोग पढ़े होंगे, इसका मैं अंदर सिर्फ लिखता हूं, ठीक है ना। अवतल दर्पण का परावर्तक, परावर्तक लोग जाते हैं सतह, परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है, ठीक है ना, धसा हुआ रहता है। ओके, देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है, तो इससे क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। ओके, उठा हुआ रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन हम चलते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन था आपका, डिफरेंट नंबर दो आ जाएगा इसमें भी और इसमें भी। ओके, समझ में आ रहा है। देखिए अब अवतल दर्पण, देखिए इसमें क्या था है, बाहरी भाग, ये अवतल है ना और ये उत्तल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है आपको, तो बाहरी भाग से आवेशित किया रहता है, बाहरी भाग से, ठीक है। और उत्तल दर्पण में ऐसे किया रहता है, ये बाहरी भाग है, ये भीतरी भाग है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में बाहरी भाग से रजित, जो अभी बताए हम, रजित किया होता है, या रचित भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें उत्तल दर्पण का भीतरी भाग से रजित किया होता है, ठीक है। कंडीशन नंबर तीन पर चलेंगे हम, ये हुआ आपका कंडीशन नंबर तीन, इस साइड में कंडीशन नंबर तीन, ठीक है। अवतल दर्पण में हमेशा हमेशा वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब, क्या फ्रेंड्स, प्रतिबिंब दोनों बनता है, दोनों क्या होता है, बनता है। और इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनती है या बनता है। ओके, ये रहा आपका तीन का तीन कंडीशन, ठीक है। ये आपका तीन का तीन नंबर देगा या दो का दो, ये दो ना, अगर आप तो तीन नंबर पूछता नहीं है, दो नंबर का होता है, ठीक है ना, ये दो का दो नंबर देगा, ठीक है। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट मारिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेट बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाता रहे। तब तक
जय हिंद।